कर्मचारी संघ एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। गजेंद्र जी हमारे साथ हैं। गजेंद्र जी, एक बार फिर से आप ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को, क्या कुछ मांगे लेके जा रहे हैं? और इस तौर पर राजस्थान की सरकार ने जो बजट में घोषणा की थी और जो जुलाई में बजट था उसमें घोषणा की थी कि कर्मचारियों को वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट 1 सितंबर से लागू कर दी जाएगी, परंतु अभी तक ना तो उस परीक्षण समिति का रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और ना उसमें अभी कर्मचारियों के लिए क्या रखा हुआ क्या नहीं रखा हुआ यही पता नहीं है। और सितंबर चली गई आधी से ज़्यादा, तो कर्मचारी राजस्थान के कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसको देखते हुए हमने 20 सितंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन जो आज हमने ज्ञापन दिवस मनाने के लिए रखा है, जिसमें प्रत्येक जिले हेडक्वार्टर पे मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा और हमारी जो मांगे हैं उनमें लगभग सितंबर से जो वेतन परीक्षण समिति है, दूसरा जो हमारा ओपीएस है उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई अभी तक जो है राजस्थान की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो एनपीएस की जगह यूपीएस लागू किया, तो हमारे राजस्थान में सिर्फ ओपीएस और ओपीएस के लिए। तीसरा हमारा जो पिछले कई दिनों से वेतन विसंगतियाँ मंत्रालय कर्मचारी हो चाहे किसी भी कैडर के हो उन सब की विसंगतियाँ, सीएसआर रूल्स है उसमें अमेंडमेंट करना, आरएसएलडीसीए की घोषणा 2023 के बजट में की गई थी अभी तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो इसी बात को लेकर राजस्थान का कर्मचारी आज ज्ञापन दिवस मना रहा। और इसमें अगर नहीं सरकार हम नहीं चेतती है तो निश्चित मानिए हम प्रदेशव्यापी जो है रैली करेंगे प्रदेश में, जैसे हम संभाग स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को आगाह करेंगे कि शीघ्र इस पर ध्यान दें, और उसके बावजूद भी नहीं किया तो मैं समझता हूँ राजस्थान का कर्मचारी शीघ्र ही आंदोलन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर जो वेतन विसंगति की जो सिफारिशें हैं वो 1 सितंबर से लागू होनी थी लेकिन आज 20 तारीख हो गई है, 20 दिन सरकार और प्रशासनिक अमला लेट चल रहा है, उसी को देखते हुए आज कर्मचारी संघ मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन देगा। भाई साहब, मुख्यमंत्री जी विदेश जाते हैं दिसंबर के अंदर, इन्वेस्ट राजस्थान नामक एक राइजिंग राजस्थान माफ़ कीजिएगा एक इवेंट वो करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया भर से इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो हमारे राज्य का जो कर्मचारी है उसकी मांगे 20 दिन लेट हो जाती हैं और आगे कब पूरी होंगी इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है। देखिए जी, सरकार का जहाँ है, सरकार अपने कुंड घोषणा की है सीएम ने कि मैं 1 तारीख से लागू कर दूंगा और आज हो गई 20 तारीख, इसीलिए ये प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। और जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है कि नहीं तो पूरे राजस्थान में स्थिति भाजपा की खराब कर देंगे राज कर्मचारी, यह है। क्या कुछ उसमें वेतन विसंगति को लेकर जो सिफारिशें थी उसमें क्या क्या थी मुख्य बातें? क्या मुख्य मांगे? सभी संगठनों को सुना गया है, सबकी पे स्केल में फर्क है, उनको एकजाई की जाए, सेंट्रल के भारत सरकार के एकजाई पेंशन की वो की जाए पे स्केल, यही है, कहूँ की कम है कहूँ की ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है और सेंटर में वही कर्मचारी है, वही राज्य में कर्मचारी, रात दिन का फर्क है। जैसे कि हमने बताया कि न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि राज्य के कई मंत्री विदेश के टूर कर रहे हैं ताकि दिसंबर में होने वाला जो राइजिंग राजस्थान है उसको सफल बना सके, और मकसद यही है राजस्थान में निवेश हो, राजस्थान में रोज़गार के अवसर बढ़े, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों की जो मांग है, जो सरकारी कर्मचारियों की मांग है, वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितना राजस्थान में निवेश ज़रूरी है? हाँ, भजन लाल सरकार की जो नीति बाहर से जो इन्वेस्टर को बुला रहे हैं इसके लिए बहुत सराहनीय योग्य है, परंतु कर्मचारियों के लिए भी जो मांग दी है और जो इन्होंने कहा 1 तारीख को साहब हम वेतन विसंगति को दूर कर देंगे ये लागू कर देंगे, तो आज 20 तारीख हुई, आज 20 तारीख तक सोए पड़ी सरकार, तो हमारा महासंघ ये आग्रह करता सरकार से कि कर्मचारियों की ये पीड़ा को महसूस करते हुए जल्दी से जल्दी इसको वेतन विसंगति को दूर किया जाए और कर्मचारी के जो प्रमुख मांगे वाजिब मांगे वही महासंघ मांग रहा है, इसके अलावा कोई गलत मांग नहीं मांग रहा है, इसी को उचित मानते हुए और हमारे महासंघ से वार्ता करके सौहार्द वार्ता करके हम भी उसके में कहीं कंसिडर होगा तो सरकार के साथ में कंसिडर महासंघ करेगा और कर्मचारी के हितार्थ जो काम होगा वो ही किया जाएगा, यदि नहीं होता है तो इसके लिए
पूर्ण रूप से कर्मचारी इस आंदोलन करने के ओपीएस लागू करने के लिए बहुत बाध्य हैं कि ओपीएस सरकार जो लागू कर चुकी कांग्रेस सरकार उसको लागू किया जाए, यथावत रखा जाए। यूपीएस हमें नहीं चाहिए, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को उसमें बहुत विडंबना है। इसको विडंबना को ध्यान में रखते मद्देनज़र रखते और वो ओपीएस ही लागू किया जाए। ये वेतन विसंगति के साथ ही सभी कैडर के कर्मचारी इसमें आते हैं और जो कर्मचारी सुविधा भी काम कर रहे हैं उनका भी तक जो आरजे सीएलडीएलसी लागू करनी थी वो भी तक नहीं किया। उसके बारे में भी बहुत ही गंभीर विषय है कि 1,10,000 कर्मचारी 1.25 लाख के कर्मचारी के लगभग जो संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो बेचारे किस हालत में 6,000-8,000 में नौकरियां कर रहे हैं और उनका कैसे परिपालन होता है, कैसे परिवार को पालन करते हैं, उस परिवार को मद्देनजर रखते हैं सरकार को इसे भी आकर्षित करना चाहिए। और सभी प्रमुख डिपार्टमेंटों की मांगें जो वाजिब है और वाजिब मांगों के लिए महासंघ अड़ा हुआ है। युवाओं की सरकार कही जाती है, राजस्थान की जो भाजपा सरकार है उसे युवा सरकार मानते हैं, युवाओं की चहेती सरकार इसे कहते हैं, आप भी एक युवा हैं, आप क्या कहेंगे? देखो निश्चित ही आपने जैसे बातें की है, युवा का एक सरकार को बनाने में आज बहुत बड़ा हाथ है और सरकार को युवा वर्ग को ज़्यादा देखना चाहिए। देखो राजस्थान जो प्रदेश है वो निरंतर तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रही है सरकार, अच्छी बात है, मगर आपको सरकारी जो प्रणाली है उसकी तरफ हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं उनको एक बार ध्यान देना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि कौन सा वर्ग पीड़ित है, क्या चल रहा है। वेतन विसंगति सरकारी कर्मचारियों में समानता लानी चाहिए और देखना चाहिए कि जो ठेका प्रथा संविदा कर्मचारियों की जो शोषण हो रहा है सारी विभागों में उसकी तरफ भी देखना चाहिए। आज 7,000-5,000 में एक आदमी अपना परिवार नहीं चला सकता। कर्मचारी की एक ही मांग होती है कि समान कार्य और संतोषजनक वेतन उसे दिया जाना उचित रहेगा और तभी एक प्रदेश तरक्की करता है जब सारी चीज़ें सही हों। भाई साहब आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों की तो जो मांगे हैं वो तो बिल्कुल उस पर सरकार जब बात करेगी और जो भी फैसला होगा वो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, लेकिन साथ साथ कई ऐसे भी कर्मचारी हैं, जैसे मैं सीधे ही आपसे बात अगर करूं तो राजीव गांधी वाले जो युवा मित्र थे उनसे बात करके पता पड़ा कि वो कांग्रेस जनित नहीं थे, वो वसुंधरा सरकार में उनका कुछ और नाम था, कांग्रेस सरकार आई उनका कुछ और नाम आ गया, हालांकि है तो वो भी कर्मचारी। तो क्या आप उन्हें भी अपने साथ लेंगे, क्योंकि पिछले करीब 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया 5,000 लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, ज़्यादातर युवा हैं, उनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये राजीव गांधी युवा मित्र जो बता रखे हैं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसका नाम चेंज किया है, वैसे वे विद्यार्थी मित्र के रूप में बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको नियुक्त किया था और उसी परिप्रेक्ष्य में वो कार्य कर रहे थे, मगर कुछ पॉइंटों के अभाव में उनको विभाग से पृथक कर दिया गया था। उस पर उनके कोर्टों में केसेज भी जारी थे और कोर्ट में उनके न्यायालय में भी प्रक्रियाधीन चल रहा है। कर्मचारी वहाँ से कम से 2 से 2.5 लाख कर्मचारी इकट्ठे भी हुए थे शहीद स्मारक पे, हमारे गजेंद्र सिंह जी महासंघ अध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी वार्ता भी कराई गई थी, मगर उन्हीं में आपस के अंदर एक मता नहीं है जिससे वो डावडोल स्थिति के अंदर दर दर भटक रहे हैं। मैं तो आज भी उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से अपनी मांग को पूरे कराने के लिए महासंघ एकीकरण से समानता हासिल करें और अपनी मांग को पूरी कराएं। जिस प्रकार से तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी अपनी विभिन्न मांगों को लेके आज ज्ञापन सौंपने कलेक्टर के पास जाएंगे मुख्यमंत्री के नाम, गजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। गजेंद्र जी आपसे एक बार फिर से हम बात करेंगे और सभी साथियों ने जो भी बातें कहीं, वेतन विसंगति की जो सिफारिश है वो भी है, उसके अलावा एक समान पद समान वेतन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, अब आज आप ज्ञापन देने जा रहे हैं, मान लीजिए आप, क्योंकि 20 दिन पहले ही जैसा कि आपने कहा सरकार लेट चल रही है, मान लीजिए इससे और लेट होता है या कुछ डिफरेंसेस आते हैं तब आगे क्या रणनीति रहेगी? निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार ने जो घोषणाएं की उनको पूरा नहीं करना, दूसरा जो पिछले दिनों से चली आ रही आरजीएचएस की सुविधा है उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों को तो दे दिया परंतु कर्मचारियों को जो आज की सुविधा आरजीएचएस की वो बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं उनको, और अन्य हमारी जो मांगे हैं ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारी रह रहे हैं उन्हें 10% महंगाई जो ग्रामीण भत्ता है, इन सब को लेकर हम लोग पिछले कई दिनों से सरकार के सामने ज्ञापन रखते आए और सरकार से हमारी मांग है कि द्विपक्षीय वार्ता करके और शीघ्र इसका निस्तारण करें। अगर निस्तारण नहीं किया जाता मैं समझता हूँ राजस्थान का कर्मचारी महासंघ एकीकृत
अभी आपको मैं बता दूं, पहले हम संभागीय स्तर पे हमारा धरना प्रदर्शन होगा, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राजस्थान की सरकार के कार्य जो कर्मचारियों के प्रति जो उदासीनता है उनको लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम शुरुआत उदयपुर से करेंगे। और निश्चित मानिए शीघ्र ही एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, राजस्थान की सरकार ने समय रहते कर्मचारियों को मांगों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना, उनको पूरा नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कर्मचारी आंदोलन करेंगे, इसकी जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की होगी। ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी और तमाम राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तमाम लोग, तमाम सदस्य, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी न्यायोचित मांगे राज्य सरकार नहीं मानती है, जिसके लिए वो पहले ही 20 दिन लेट हो चुकी है, क्योंकि 1 सितंबर 2024 वो तिथि नियत की गई थी, लेकिन उससे भी आज 20 तारीख हो चुकी है। इसी बात से उद्वेलित होकर आज ये तमाम कर्मचारी महासंघ के सदस्य आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और एक प्रकार से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। और ये भी गजेंद्र जी ने कहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती, न्यायोचित मांगे जो भी हैं वो नहीं मानी जाती हैं, तो एक लंबे आंदोलन के लिए राज्य सरकार तैयार रहे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।